हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 10th ऑफ फेब, बात करेंगे यस बैंक के बारे में। आज यस बैंक में तकरीबन 3% के लगभग गिरावट हुई। गिरावट का कारण टेक्निकल चार्ट पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लंबे समय से एक ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। अब चूंकि इसका मतलब क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। चूंकि यहाँ पर देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस थी, लेकिन उसको हमने देखिएगा तोड़ा और एक कैंडल हमारी इसके ऊपर जाकर बनी। अब यहाँ पर देखिएगा, एक अप मूव की बिल्कुल गुंजाइश थी, क्योंकि यहां पर एक दूसरा मजबूत रेजिस्टेंस है जो कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, जो आपको यह रेड लाइन देखने के लिए मिल रही है, जिसकी कैलकुलेशन अभी के समय में 39.75 के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगी। अब चूंकि यहाँ पर आज की तारीख में हुआ क्या है, ज़रा उसको समझ लीजिए। देखिए, हमने देखिए एक अच्छी खासी शुरुआत करी, हमारी गैप अप ओपनिंग थी, यहाँ पर हमने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को देखिएगा क्रॉस करने की कोशिश करी है, और जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया, लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं कि 40 की रेंज के ऊपर यस बैंक अभी नहीं निकल सकता है। तो देखिए, वैसा ही हुआ। यहाँ पर जैसे ही हम 40 की रेंज के ऊपर निकले हैं, वहाँ पर देखिएगा हमको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिली है, और सेलिंग के चलते देखिएगा हमने आज की तारीख में 3% के लगभग गिरावट देखी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए, ये वाली जो कैंडल है, इसका जो लो है, उसको अभी हमने नहीं तोड़ा है, तो यहां पे एक अप मूव अभी भी बन सकता है। तो अब यहां पर देखिए होगा ये कि देखिए, ये जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी एक काफी लंबे समय से जो एक रेजिस्टेंस बना रखी थी, आप देख सकते हैं लंबे समय से एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर देखिए हम इसके ऊपर निकलते हैं, तो डेफिनेटली आप मानिएगा कि चीजें यहां पर एक पॉजिटिव हो जाएंगी और एक बड़ी तेजी हमको देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पर देखिएगा, आज की तारीख में जिन लोगों ने इसको शॉर्ट किया होगा इंट्राडे में, डेफिनेटली उन्होंने पैसा बनाया होगा अगर उन्होंने 40 के ऊपर किया है। लेकिन अब यहां पर एक मुद्दा यह है कि अगर एक रिकवरी आती है, एक बाउंस बैक होता है, और हम देखिएगा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जाकर हम स्टेक कर जाते हैं, तो देखिएगा अब चूंकि इंट्राडे में यह चीज पता कर पाना काफी मुश्किल होगा कि देखिए हम उसके ऊपर जाएंगे या नहीं। अगर फिर से कोई इसको रिपीट करेगा और यहां पर शॉर्ट करने की गलती करेगा, तो डेफिनेटली वो कभी भी ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर एक जबरदस्त तेजी हमको देखने के लिए मिलेगी, और जो ये ट्रेंड लाइन हमने तोड़ी है, इसके बाद हो सकता है कि डेफिनेटली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन का रेजिस्टेंस भी टूट जाए। अब आज की तारीख में देखिएगा, हमने तकरीबन 40.75 के लगभग एक हाई बनाया है, तकरीबन 8000 से ज्यादा क्वांटिटी अभी भी बाइंग की लगी हुई है, जो क्वांटिटी यहां पर ट्रेड हुई है वो 14 करोड़ 22 लाख से ज्यादा है, तकरीबन 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर हुई है, यानी कि तकरीबन आप देखेंगे तो 12.79% के लगभग हमारी डिलीवरी परसेंटेज है ओवरऑल ट्रेड की। वहीं हमारा जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो बढ़ा है, चेंज इन ऑपरेटर्स घटा है, तो डेफिनेटली शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। एट द मनी अगर आप देखेंगे तो अभी हम 35 और 40 के बीच में आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ बेसिकली अभी भी आपको अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी, एक मैसिव अनवाइंडिंग आपको देखेगा 15 के स्ट्राइक पर देखने के लिए मिलेगी पुट राइटर्स की, जो कि देखेगा आपको इस तरीके के इंडिकेशंस देंगे कि बेसिकली चाहे पुट राइटर्स हैं चाहे कॉल राइटर्स हैं, वो देखिएगा यहां पर अभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और चूंकि यहां पर कॉल राइटर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि देखिए 40 का जो एक रेजिस्टेंस है वो वहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7,56,000 से ज्यादा की आपको अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी कॉल राइटर्स की। तो यहां पर सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज यहां पर आके काम कर सकती है, और डेफिनेटली यहां पर अगर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की कैलकुलेशन को अगर हम निकाल देते हैं, तो डेफिनेटली आप चीज को समझिएगा कि कोई ना कोई पीछे पर्दे के पीछे जरूर कोई न्यूज आ चुकी है, और किसी तरीके का पॉजिटिव कुछ ना कुछ आने वाला है। अब यहां पर देखने से ऐसा ही लग रहा है कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के कैलकुलेशन का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहीं ना कहीं निकाल लेंगे, और अगर हम उसे निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली फिर एक बड़ी तेजी हमको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए, इसके साथ मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड का ग्रुप में शेयर ना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।